सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सबसे पहले मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना, स्वागत है आपका अंजनाज किचन में। आज हम बनाएंगे दाल मखनी जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। हर शादी पार्टी में हम दाल मखनी तो जरूर ही बनाते हैं, और अगर कभी रेस्टोरेंट में जाकर खाने की या घर पर मंगाकर खाने की कुछ बात हो और हमें कुछ समझ में ना आए तो हम दाल मखनी जरूर मंगाकर खाते हैं। तो चलिए दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। दाल मखनी के लिए मैंने आधी कटोरी काली उड़द दाल ली है और आधे से भी कम कटोरी राजमा लिए हैं, और अब हम इन दोनों को एक बर्तन में डालकर अच्छे से वॉश करेंगे। लीजिए, मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर दिया है और अब हम इसे एक भगोने में डालकर रात भर भिगोकर रखेंगे। लीजिए, अब मैंने इसे बर्तन में डाल दिया है और अब हम इसे ढककर रख देंगे। देखिए, 7 से 8 घंटे बाद जो हमारी दाल है थोड़ी फूल गई है, और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। और इसे अच्छे से ड्रेन करेंगे और अब हम इसे एक कुकर में डाल देंगे। और अब हम कुकर में पानी डालकर इसे उबलने के लिए गैस पर रखेंगे। लीजिए, अब हमने कुकर में पानी डाल दिया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। और अब हम कुकर को बंद करेंगे और अब हम इसे गैस पर रखकर गैस को ऑन कर देंगे। दाल मखनी के लिए मैंने लिया है बटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 2 टमाटर और 2 प्याज, इनको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और फ्रेश क्रीम। और अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी और गैस को भी ऑन कर दिया है, और कढ़ाई में भी हमने बटर डाल दिया है। बटर को हम पूरा गरम नहीं करेंगे, बस उसको मेल्ट ही करेंगे। अब बटर मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया उसे डाल देंगे। अगर आप प्याज का पेस्ट ना बनाना चाहें तो आप प्याज को बारीक बारीक काट कर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस प्याज को अच्छे से भून लेंगे। लीजिए, प्याज कुछ भून चुका है और अब हमने उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इन्हें भी हम अच्छे से पकाएंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए, जिससे कि हमारी जो दाल मखनी है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। वैसे तो दाल मखनी कई स्टाइल से बनाई जाती है, पर आज हम सिंपल तरीके से दाल मखनी बहुत ही टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए, अब जो प्याज का पेस्ट है वो भून चुका है, अब हम इसे एक बार अच्छे से हिला देंगे। और अब हम इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है उसे भी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो ये टमाटर हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिए, क्योंकि हमने दाल को उबालने के लिए भी उसमें भी 1/2 चम्मच नमक डाल दिया था, और हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, और अब हमने 1 चम्मच ही इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल दिया है, और हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और इन मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए, अब हमने जो मसाला तैयार किया उसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है, और अब हम इसमें कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप भी इस तरीके से दाल मखनी बनाएंगे तो आपकी दाल मखनी भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसे भी हिलाएंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी जो हमने फ्रेश क्रीम ली है उसे भी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। लीजिए, अब हमारा तड़का बनकर तैयार है और अब हम दाल भी देख लेते हैं। देखिए, अब जो हमारी दाल मखनी की दाल हमने उबलने के लिए रखी थी वो भी अच्छे से उबल चुकी है। और अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल दूंगी। आप चाहें तो सीधा डायरेक्ट कुकर से भी कढ़ाई में इसे डाल सकते हैं। जी, अब मैंने दाल को एक बर्तन में निकाल लिया है। और हमारा जो दाल का तड़का है वो भी बनकर तैयार है। और अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। लीजिए, अब मैंने इसमें उबली हुई दाल डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने तड़का तैयार किया है वो दाल में अच्छे से मिक्स हो सके। और अब देखिए, जो दाल का कलर है वो एकदम से ही चेंज हो चुका है। हमारी दाल का कलर बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे कि रेस्टोरेंट की दाल का कलर होता है। लीजिए, अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। और अगर आप ज़्यादा गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं तो इसे इस स्टेज तक ही बनाइए। अगर आप पतली खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कीजिए, ठंडा पानी इसमें ऐड नहीं कीजिए। अगर ठंडा पानी ऐड करेंगे जो हमारी दाल है अलग हो जाएगी और पानी अलग रहेगा। देखिए, अब 10 मिनट बाद जो हमारी दाल है एकदम बनकर तैयार है और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अब हमारी दाल मखनी बनकर एकदम तैयार है। और अब हम इसमें बटर का तड़का लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं इसका नाम ही दाल मखनी है तो इसमें बटर का यूज़ भी ज़्यादा होता है। और बटर को अच्छे से मेल्ट करेंगे। हमें बटर को गर्म नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट ही करना है। लीजिए, अब बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें जो आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें जो हमने दाल तैयार करी है इसे उसी के अंदर डाल देंगे। लीजिए, अब हमने बटर और लाल मिर्च का तड़का इसमें लगा दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितनी टेस्टी हमारी जो दाल मखनी है बनकर तैयार हुई है। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। लीजिए, अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और हमने गैस को भी ऑफ कर दिया है। लीजिए, अब हम इसे सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। सच में जो ये दाल मखनी है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। लीजिए, अब मैंने दाल मखनी को सर्व कर दिया है। अब हम इस पर गार्निश के लिए थोड़ा सा बटर रख देंगे और थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे जिससे कि जो हमारी दाल मखनी है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। और आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया है।